प्यारे भाई और बहनों, अभी आपने एक सुंदर भजन सुना, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। यह खोज शब्द के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। खोज, जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है और समझदारी की अवस्था में पहुंचता है, तो उसके जीवन में उसे कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ प्रश्नों के जवाब खोजने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है और मुझे कहाँ जाना है, ऐसे कई सारे प्रश्न उसे सताते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका नाम है कबीर दास जी। उनके दोहे तो आपने जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे। और एक दोहे का वर्णन मैं करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि उन्हें भी खोज करने की जरूरत पड़ी और वे गए मंदिरों में, मस्जिदों में प्रभु की खोज करने। थके हारे रहते थे, फिर भी निकल पड़ते थे प्रभु की खोज के लिए। लेकिन उनके प्रभु ने, भी कहते हैं कि उन्हें प्रभु के दर्शन का सौभाग्य कभी प्राप्त हुआ, उनकी खोज कभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन वे कहते हैं, एक दिन जब इस स्थिर अवस्था में थे, अपने कक्ष में बैठे थे, शांत दिल में उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी। और वो आवाज और किसी की नहीं, वे कहते हैं वो आवाज प्रभु की थी। उन्हें एहसास हुआ, महसूस हुआ कि प्रभु उनकी अंदर तल में है, अंतर तल में। और प्रभु, हम प्रभु की खोज करने के लिए बाहर निकलते हैं, प्रश्न के जवाब खोजने के लिए बाहर निकलते हैं, किस इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। लेकिन सच में हमारा दिल, हमारा मन ही हमारा गुरु है और सारे प्रश्नों के जवाब हमें अपने अंतर तल में जरूर प्राप्त होंगे यदि हम दो चीजों का सहारा लेंगे। वो है प्रार्थना और मनन चिंतन, जिसको हम प्रेयर एंड मेडिटेशन कहते हैं। शांत तल में बैठिए, शांत जगह में जाकर अपने दिल से जो भी प्रश्न है आपको पूछिए और वहां पे आपको अपने प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। ये मैं ही नहीं कह रही हूं, लेकिन ऐसे कई व्यक्ति इस दुनिया में आए और गए जिन्होंने हमें कहा है कि शांतता बहुत ही जरूरी है एक व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना और मनन चिंतन कीजिए और वे प्रार्थना करने के लिए आपको शांत रहने की बहुत जरूरत है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अपने लिए स्पेंड कीजिए, वो टाइम को यूज कीजिए फ्रूटफुली। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा और प्रभु के दर्शन का सौभाग्य आपको आपके अंतर तल में होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ।